अधीर रंजन चौधरी ने प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन दे दिया, ये उसका प्रॉब्लम है। आप देखिए ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस तो बहुत बुरी हाल है बंगाल में, तो नई कुछ नहीं है। थ्री पॉइंट्स है, वन इज कांग्रेस का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दूसरा पॉइंट इज दिल्ली में कांग्रेस, वो दिल्ली का जो ऑपोजिशन पॉलिटिक्स है वहां पर तृणमूल रेस्पॉन्सिबल एंटी भाजपा रोल प्ले कर रहा है, और यहां पर तृणमूल को डिस्टर्ब कर रहा है, बीजेपी को ऑक्सीजन दे रहा है बंगाल में, वो तो बंगाल का मानुष रिजेक्ट कर दिया। और तीसरा है ये सीपीएम जो इतना दिन तक बंगाल के जमीन पर टॉर्चर किया, वो उसका साथ वो गठबंधन किया, ये कोई कांग्रेस, ये कांग्रेस वर्कर ये सपोर्ट नहीं करेगा। तो उसका फेल्योर, जीरो होना असेंबली में, जीरो होना लोकसभा में, इतना बुरी तरह से रिजल्ट तो होना ही था। तो इसके बाद उसका कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है?